हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ आशुतोष है। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी केक। इसके लिए सबसे पहले हम स्पॉन्ज ले लेंगे, इसको 3 हिस्सों में कट कर देंगे। कॉफ़ी पाउडर लेंगे, नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर लिया हमने, और व्हिप क्रीम जो हमने पहले से व्हिप करी हुई है। पानी को बॉईल करना है, इसके बाद इसके अंदर हमें कॉफ़ी सैशे डालना है। एक जो 10 रुपीज़ वाला आता है वो हमने यूज़ किया हुआ है, 2 और यूज़ करें वो हमने बाद में व्हिप क्रीम या ऊपर से हमने ग्लेजिंग के लिए यूज़ करा है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा करना है, उसके बाद इसको व्हिप क्रीम में मिक्स कर देना है। तो लीजिए, हमारी कॉफ़ी क्रीम तैयार हो गई है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे जितना हमें केक के लिए यूज़ करना है, आधा किलो केक के लिए, और इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। जो पहला स्पॉन्ज का लेयर हमने निकाल लिया है, और इसको सोक करेंगे शुगर सिरप से। आप चाहें तो शुगर सिरप में भी कॉफ़ी मिक्स कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहते तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो हमने क्रीम डाला है पहले स्पॉन्ज के ऊपर, और इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। इवनली स्प्रेड करने के बाद इसमें हम सेकेंड लेयर लगाएंगे, वो वनीला स्पॉन्ज की है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर चाहें तो कॉफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपको इस केक को, तो आप उस केक में जो सिरप है उसके अंदर कॉफ़ी मिक्स कर सकते हैं, और जो अपना स्पॉन्ज है उसके अंदर भी कॉफ़ी मिक्स कर सकते हैं। तो सेकंड लेयर हमारा लग गया है, इसके ऊपर हम सिरप लगाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद दोबारा से हम लोग जो है सेकंड लेयर में हमारा क्रीम जो हमने कॉफ़ी क्रीम बनाया है वो यूज़ करेंगे, और उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। जनरली कॉफ़ी केक बनाने के लिए कॉफ़ी ही भी यूज़ कर सकते हैं आप। कॉफ़ी की फीलिंग्स भी आती हैं, अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर की फीलिंग्स आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहते हैं तो और अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक कैपेचिनो कॉफ़ी बना के उसको आप सोक करिए, इसको उसको ठंडा करके उसको आप मिक्स कर दीजिए अपना जो व्हिप क्रीम में, या फिर आप सोक करते हैं स्पॉन्ज को सोक कर सकते हैं उसमें भी। और ये थर्ड लेयर हमारा आ गया, इसको भी हम सोक करेंगे सिरप से, और इसके बाद जो हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे केक की, हमें प्रॉपर क्रम कोटिंग करनी है, सो डैट कि जब हम फिनिशिंग करेंगे केक का तो हमारा जो क्रम्स हैं वो ऊपर ना दिखाई दे। क्रम कोटिंग करने से पहले इसकी साइड्स जो है वो रिमूव करनी है, सो डैट केक जो हमारा राउंड केक बनाया हमने पूरा वो राउंड ही रहे। जैसे कि मैंने बताया था, क्रम कोटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, क्रम कोटिंग कर रहे हैं हम इसकी। क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है केक का, उसको कोट करने के बाद इसकी साइड्स भी हम कवर करेंगे, और लास्ट में इसको फिनिशिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, क्रम कोटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर से हम दो सेकंड लेयर जो इसकी कोट करेंगे, इसमें हमें बिल्कुल भी क्रम नहीं आएगा, और ये केक हमारा पूरा इसी से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो में आपको कलर नहीं दिख रहा है, बट साइड्स कोट होगा। अब इसके बाद जो केक का साइड्स है उसको कोट करेंगे। बेसिकली केक बनाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आपकी फिनिशिंग हाथ में आएगी। अगर आप सोचते हैं कि एक दो केक बना के आप बहुत सारे अच्छा फिनिशिंग ला पाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स अप्रॉक्सीमेटली 200 केक्स आप बना लेते हैं तो आपको प्रॉपर ये फिनिशिंग मिल जाएगा। ट्रिक्स और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है केक बनाने के लिए। अगर आपका हाथ पैलेट नाइफ किस स्टाइल से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा उसको पकड़ा है आपने, ये सब डिपेंड करता है। अगर आप सही तरह से यूज़ करते हैं तो आपका केक प्रॉपर बन ही जाएगा।
ये ऑलमोस्ट केक हमारा कंप्लीट हो गया, बट थोड़ा सा फिनिशिंग अभी उतना नहीं आया है, तो हम इसको दोबारा से फिनिश करेंगे, थोड़ा सा साइड फिर से कवर करेंगे, फिर से ऊपर से एक बार फिनिशिंग करेंगे। बस एक बार में केक अगर परफेक्ट नहीं आता है तो कोशिश करिए कि उसको दोबारा से फिनिश कर सकें और उसको दोबारा से उसकी फिनिशिंग कर सकें। बार बार क्रीम यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ज़्यादा क्रीम यूज़ करेंगे तो स्प्लिट हो जाती है क्रीम, और क्रीम एक बार स्प्लिट हो जाती है केक में शाइनिंग और फिनिशिंग वो उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो सेकंड टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई इतना इशू नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कॉफ़ी केक से रिलेटेड इसको हम बाद में डेकोरेट करेंगे चॉकलेट गार्निश से जो हमने ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप केक को बनते हुए देखिए और एन्जॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केक हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसको जो है ऊपर से इसके लिए ग्लेज तैयार करेंगे। नॉर्मल भी आप फिनिश कर सकते हो या आप ग्लेज लगा के फिनिश कर सकते हो। ये हमने वाइट ग्लेज होता है एक टाइप का ग्लेज, ये चॉकलेट ग्लेज में भी आता है और वाइट में भी आता है, वनीला ग्लेज में भी। इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाया हुआ है, जैसे कि हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि 100 ग्राम ग्लेज के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम के करीब वाटर इसमें मिक्स किया हुआ है। ये बेसिकली अब इस ग्लेज को अगर ऊपर से डिप करोगे तो ये आपका पूरा प्रॉपर जो शाइनिंग आता है केक के ऊपर वो आपका शाइनिंग आएगा, वो भी वाइट कलर में। ग्लेज डालने से पहले हमने केक के ऊपर थोड़ा सा जो अपना जो कॉफ़ी था कॉफ़ी को हमने थोड़ा स्प्रिंकल किया हुआ ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट ऊपर से आ सके। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है ग्लेज। अभी हम इसको डाल के थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। बार बार नाइफ को नहीं चलाना, सिर्फ एक ही बार आपको चला के उसको छोड़ देना है और उसकी साइड्स भी इसी से कवर कर देनी है आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं जो नीचे जो है वो साइड्स में ड्रिपिंग स्टार्ट हो गया, और जो टॉप पे हमने जो है पहले से थोड़ा सा जो कॉफ़ी को जो थोड़े से वाटर में मिक्स करके ऊपर से हमने स्प्रिंकल किया था वो कॉफ़ी का इफेक्ट जो है आपको दिखाई देगा। साइड्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। थोड़ी देर इसको केक स्टैंड पर छोड़िएगा जरूर केक को। अब हम इसके ऊपर जो है अपना कॉफ़ी जो हमने डार्क कॉफ़ी है उसको थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। एक अच्छा इफेक्ट देगा बिकॉज कि ऊपर से ग्लेज है, ग्लेज में मिक्सअप हो जाएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से ये ग्लेज किया हुआ, ऐसा लगेगा कि एक इफेक्ट दिया हुआ है टॉप पे। कॉफ़ी केक हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, तो इसको केक स्टैंड से ट्रांसफ़र करेंगे टाइल के ऊपर। आप चाहें तो केक बेस के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चॉकलेट गार्निशेस पहले से बना के हमने रखी हुई हैं, अब इन चॉकलेट गार्निशेस को हम ऊपर से इसको लगाएंगे और डेकोरेट करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी नए नए वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।